तो इस बार हमने डिसाइड किया कि हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे और उसकी हेल्प से इस चैनल के लिए एक वेबसाइट बनाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमें वेब डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट कोडिंग के नाम पे हमें सिर्फ जावा आती है, जो कि हमने अपने स्कूल टाइम में सीखी थी। मतलब हमें सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से सीखना होगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जाके हमने थोड़ा बहुत गूगल सर्च किया ताकि हम ये फिगर आउट कर सकें कि एक वेबसाइट बनाने में हमें कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और सर्च करने के बाद व्हाट आई फिगर आउट कि एक वेबसाइट बनाने में हमें दो कंपोनेंट चाहिए पड़ते हैं, पहला फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, और ये समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक वेबसाइट को एक कार की तरह मानते हैं। अब देखो, जैसे कार में दो कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रंट एंड मतलब वो सारा पार्ट जो कि एक यूज़र देख सकता है, जैसे मटेरियल, कलर, डोर्स, ये सब कुछ फ्रंट एंड में आते हैं। लेकिन फ्रंट एंड के साथ साथ कार में बैक एंड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इंजन, अब इंजन यूज़र से हिडन होता है लेकिन कार को पावर वही प्रोवाइड करता है। तो जैसे एक कार फ्रंट एंड और बैक एंड से मिलके बनी होती है, वैसे ही दुनिया की सारी वेबसाइट फ्रंट एंड और बैक एंड से मिलके बनती हैं। फ्रंट एंड वो सारा पार्ट होता है जो कि एक ब्राउज़र डिस्प्ले करता है, वहीं बैक एंड में आपकी पूरी डाटा प्रोसेसिंग होती है। अब इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल YouTube.com ही ले लीजिए। अब YouTube की वेबसाइट पे आप जो कुछ भी देख रहे हो, जैसे ये इमेज, टेक्स्ट, कलर, ये बटन, ये सब कुछ फ्रंट एंड का पार्ट है जो कि आपका ब्राउज़र आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब कोई यूज़र आके इस पेज पे कुछ करता है, फॉर एग्जाम्पल ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करता है, तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा आपका YouTube का बैकएंड वाला पार्ट, वो जाके डाटा प्रोसेस करेगा और आपको सब्सक्राइब करवा देगा। तो कुल मिला के जो सारा पार्ट आपका ब्राउज़र डिस्प्ले करता है वो सब कुछ फ्रंट एंड में आता है, और जो कुछ भी डाटा प्रोसेसिंग वेबसाइट करती है वो सारा बैक एंड में आता है। अब फ्रंट एंड के लिए हमें HTML, CSS और JavaScript इन तीनों लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। वहीं बैक एंड के लिए हम PHP, Node.js इन जैसे किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो जिस टाइप की साइट हमें चाहिए है उसमें हमें सिर्फ डाटा डिस्प्ले करना है, तो हमें बैक एंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमारा पूरा काम फ्रंट एंड से हो जाएगा। तो हमें बस ये HTML, CSS और JavaScript सीखनी है, और होपफुली इन तीनों की हेल्प से अब अपनी वेबसाइट बना पाएंगे। तो इन तीनों लैंग्वेज को सीखने के लिए हम कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल सर्च कर रहे थे, वहीं हमें कोड विथ हैरी करके एक यूट्यूब चैनल मिला, और इसकी हमें वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट सबसे बेस्ट लगी, और ये फ्री भी थी। तो हमने वन बाय वन वीडियो लेक्चर्स देखना चालू कर दिए। तो हमने जावास्क्रिप्ट तक की पूरी वीडियोस देख ली है, मतलब हमारा फ्रंट एंड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, और जिस टाइप की वेबसाइट हमें चाहिए है उसके हिसाब से इतना सफिशिएंट होगा। तो अब हम वेबसाइट की एक्चुअल कोडिंग चालू कर सकते हैं। तो एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें वेबसाइट के ब्लूप्रिंट की ज़रूरत थी, ताकि उसका रेफरेंस लेके हम अपनी साइट को कोड कर पाएँ। तो हमें अपनी वेबसाइट को कोई भी एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में डाल के डिज़ाइन करना था। तो इस काम के लिए हम फोटोशॉप या अडोबी XD, इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अडोबी XD का यूज़ किया, क्योंकि ये इजी भी था और फ्री भी। तो अडोबी XD इंस्टॉल करने के बाद हमने उसका आधे घंटे का ट्यूटोरियल देखा, और उसकी हेल्प से हमने इजीली अपनी साइट को डिज़ाइन कर लिया। और वेबसाइट के हर एक पेज को डिज़ाइन करने के बाद हमारे पास एक प्रोटोटाइप रेडी था। तो अब बस हमें इन सारे पेज को एक्चुअल में कोड करना था, जो कि होपफुली इतना मुश्किल काम नहीं होगा। तो कोडिंग को लेके हम बहुत गलत थे, कल पूरी रात हम सोए नहीं हैं और सिर्फ कोड करते रहे। हमने कुछ इतने ट्यूटोरियल्स और देखे, तब फाइनली जाके
हमने 8 घंटे में अपने साइट का पहला होम पेज कोड किया और सबसे ज़्यादा टाइम हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाने में लगा। तो आप में जिन लोगों को रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में नहीं पता है उन लोगों को हम बता दें कि एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव तब होती है जब वो जिस स्क्रीन पर खुले उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल हमारी साइट जब एक डेस्कटॉप पर खुलेगी तो ऐसी लगेगी, जब एक टैबलेट पर खुलेगी तो ऐसी लगेगी, और जब एक फ़ोन पर खुलेगी तो ऐसी लगेगी। और इसी चीज़ को कोड करने में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अभी हम सोने जाएंगे और बाकी ये पेजेस को कल कोड करेंगे। तो अगली सुबह हम उठे और हमने नेक्स्ट वेब पेज की कोडिंग शुरू करी और सरप्राइजिंगली इस पेज ने हमें सिर्फ 4 घंटे लिए, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द कोड पुराने पेज से कॉपी कर लिए थे और बस थोड़ा बहुत ही इसमें ऐड किया था। तो इतना करने के बाद हमने थर्ड पेज की कोडिंग शुरू करी और थर्ड पेज की कोडिंग सिर्फ 2 घंटे में हो गई। तो इतने पेजेस कंप्लीट करने के बाद हमने जल्दी जल्दी बाकी पेजेस भी कंप्लीट किए और कोड करते करते हम इतना बेहतर हो गए थे कि हमें आखिरी पेज को कोड करने में सिर्फ 20 मिनट लगे। और इस तरीके से हमने अपनी पूरी वेबसाइट की कोडिंग ख़त्म कर ली। तो इतना करने के बाद हमने एक डोमेन नेम लिया और एक होस्टिंग ली और अपनी साइट को होस्ट कर दिया। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी साइट का लिंक दिया है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। और हाँ, हमें पता है ये साइट कोई बहुत अच्छी साइट नहीं है, इनफैक्ट इसमें हम बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये वीडियो बस इसलिए बनाई थी ताकि हम आप लोगों को बता सकें कि वेब डेवलपमेंट इतना भी मुश्किल नहीं है। कोई भी एक इंसान बेसिक HTML और CSS को सीख के खुद की एक वेबसाइट बना सकता है। और अगर आप लोग भी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आप लोग जाके हमारी साइट पे वेब डेवलपमेंट वाला आर्टिकल पढ़ सकते हो, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अगर आप भी अपनी पहली साइट बना रहे हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली स्किल हम क्या सीखें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।